ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबरा में ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज सुरेश लम्भाते लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और उनके कार्रवाई के दौरान हंगामे भी हो रहे हैं। आज फिर मुंबरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ और ट्रैफिक विभाग के सुरेश लम्भाते ने तनवर नगर में कार्रवाई की। इस बार भारी पुलिस बल तैनात की गई थी। कई लोगों पर कार्रवाई की गई जो बिना हेलमेट बिना लाइसेंस 3 सीट चल रहे थे, मगर इसके बावजूद भी हंगामा हुआ। वहीं सुरेश लम्भाते का कहना है कि कार्रवाई अब हर रोज होगी और जो भी बीच में बाधा डालेगा अब उस पर भी गुनाह दाखिल किया जाएगा। किस तरह से आज कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ, बाइक पसंद है मेरा, तुमने चलते जा रहे हैं, दे रहे हमको क्यों जा रहे हैं। मगर कार्रवाई के दौरान एक एक्टिवा तनवर नगर में पकड़ी गई, जिसे लेकर ट्रैफिक विभाग के कांस्टेबल मुंबरा फायर ब्रिगेड स्थित ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुंचे। मगर वहां कांस्टेबल अंगद मुंडे, प्रशांत गोसावी, दिनेश राउत, विनायक वाघमारे से एक्टिवा पकड़ने और चालान करने पर मारपीट हो गई। मारपीट करने वाले अफनान अफाक कुरैशी 24 वर्षीय, तमसील अफाक कुरैशी 27 वर्षीय, ये दोनों अमृत नगर के रहने वाले हैं, और फैजान इकबाल शेख 18 वर्षीय, शमशुद्दीन नज़ीर अहमद बांगी 44 वर्षीय, ये अमीना पैलेस के रहने वाले हैं। ये चार युवकों में और चारों कांस्टेबलों में जमकर हाथापाई हुई। ट्रैफिक विभाग की कार्रवाई जिस तरह से हो रही उसमें एक तरफ देखा जाए तो शहर में लोगों में नाराज़गी भी है, लेकिन कुछ लोग वहीं सुरेश लम्भाते की भी तारीफ करते हैं कि सुरेश लम्भाते अच्छा काम कर रहे हैं। मगर जिस वजह से आज एक एक्टिवा पकड़ने की वजह से, उस पर चालान करने की वजह से जिस तरह से कांस्टेबल और युवकों में हाथापाई हुई, उसकी वीडियो हम दिखाते हैं कि किस तरह से दोनों तरफ से झड़प हुई है। मोबाइल दे,
नंबर नहीं नंबर दो लाइसेंस क्या है मोबाइल दे लाइसेंस दे मोबाइल दे पहले लाइसेंस दे फिलहाल पुलिस ने इनमें से 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है और इन पर 353, 332, 427, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मगर सुरेश लंभाते का वही कहना है कि कार्रवाई अब और कड़ी होगी, जो भी कार्रवाई में दखल देगा उस पर भी गुनाह दाखिल किया जाएगा। मगर जिस तरह से सुरेश लंभाते कार्रवाई करते हैं, कुछ लोग उनकी कार्रवाई की तारीफ करते हैं
हैं तो कुछ लोग उनके कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।